एक गांव में रिंकू खरगोश रहता था। तोता उसका बहुत अच्छा दोस्त था। रिंकू बहुत सीधा साधा था। वो किसी की बात में आ जाता था, लेकिन तोता हमेशा ख्याल रखता था कि उसके दोस्त के साथ कोई चालाकी नहीं करे, क्योंकि रिंकू के पीछे शेरा और भल्लू लगे रहते थे कि कब उन्हें मौका मिले और कब वो लोग रिंकू का फायदा उठा ले। एक दिन रिंकू अकेला गाँव में घूम रहा था। रिंकू कैसे हो? मैं ठीक हूँ भल्लू जी। मैं ना जंगल की दूसरी तरफ जा रहा था, अब तुम दिख गए। अगर तुम मेरे साथ चलोगे तो मैं तुम्हें ताजी ताजी गाजर दूंगा। अरे वाह, ताजी गाजर, वो तो खाने में बहुत मजा आएगा। चलो भल्लू भाई। और इस तरह से भल्लू की चाल में रिंकू फंस गया था। अब हर दिन भल्लू उसे मिलता था और उसको गाजर खिलाता था। एक दिन तोता दोनों को देख लेता है और रिंकू से आकर कहता है, रिंकू भल्लू बहुत चालाक है, तुम उसकी बातों में मत आना। नहीं तोता, भल्लू विश्वास के लायक है, वो मुझे ताजा गाजर देता है, तुम चिंता मत करो। जैसी तुम्हारी मर्जी, लेकिन सावधान रहना। और ऐसा कहकर तोता वहाँ से चला जाता है और भल्लू वहाँ पर आ जाता है। रिंकू क्या कर रहे हो? चलो आज तुम्हें मैं एक खेत में लेकर जाता हूँ, वहाँ पर बहुत सारी लाल लाल गाजर उगी है, आज तो तुम्हारी पार्टी हो जाएगी। ये सुनकर रिंकू लालच में आ जाता है और भल्लू के साथ गाजर के खेत में चला जाता है। रिंकू गाजर खाने लगता है, तभी उस खेत के किसान को पता चल जाता है और वो वहाँ पर एक जाल लेकर जाता है। भल्लू एक पेड़ के पीछे छुप जाता है, लेकिन रिंकू किसान के जाल में फंस जाता है। भल्लू भैया बचाओ, बचाओ मुझे। लेकिन भल्लू उसे बचाने नहीं आता है, लेकिन रिंकू की चीख पुकार सुनकर तोता तेजी से तुरंत उस दिशा में उड़कर आ जाता है। अपने दोस्त को जाल में फंसा देखकर वो चौंक जाता है और बिना समय गवाए तोता जाल को काटने लगता है। किसान ये देख लेता है और अपनी लाठी निकाल कर तोते की तरफ फेंक देता है, लेकिन तोता उड़कर बच जाता है और वो लाठी पेड़ के पीछे छुपे हुए भल्लू के सिर पर पड़ती है और भल्लू बेहोश हो जाता है। तोता जाल काटने में कामयाब हो जाता है और अपने दोस्त के साथ भाग जाता है। मुझे माफ कर दो तोता भाई, मैंने तुम्हारा कहना नहीं माना और एक धोखेबाज से अपने लालच में आकर दोस्ती कर ली। रिंकू तुम्हारी जान पर बनाई थी, इसलिए अच्छे लोगों के संगत होना बहुत जरूरी है। रिंकू को अपनी गलती का एहसास हो चुका था और वो अब से कभी भी किसी बुरी संगत में नहीं पड़ता था, हमेशा संभल कर रहता था और दोस्ती करने में जल्दबाजी नहीं करता था। किसी गांव में रघु नाम का एक भालू बच्चा रहता था। उसका पढ़ाई लिखाई में जरा भी मन नहीं लगता था। पढ़ाई के नाम से बचने के लिए वह बहुत कुछ करता था। उसकी बहन पढ़ने लिखने में काफी अच्छी थी और वह अपने घर वालों की बात भी मानती थी। बेटा रघु, जितना खेलना कूदना जरूरी है उतना पढ़ना लिखना भी जरूरी है। अगर तुम पढ़ाई नहीं करोगे, हर समय बस खेलते ही रहोगे और अपने दोस्तों के साथ मस्ती करोगे तो तुम बड़े होकर कुछ नहीं कर पाओगे। बेटा खेलने के साथ पढ़ाई पर भी उतना ही ध्यान दो तुम। मम्मी आप भी ना, मैंने आपसे कितनी बार कहा है कि मुझे पढ़ना लिखना जरा भी पसंद नहीं। जब भी मैं पढ़ने लिखने के लिए बैठता हूँ तो मुझे नींद आने लगती है और मेरा सिर दर्द करने लगता है, इसलिए मुझे पढ़ना लिखना जरा भी पसंद नहीं। भैया ऐसी बात नहीं है, अगर आप पढ़े मन लगा कर पढ़ेंगे तो आपको ना सारी पढ़ाई समझ में आने लगेगी, जैसे मुझे आती है। पता है मुझे पढ़ते हुए जरा भी नींद नहीं आती, बल्कि मुझे तो पढ़ने बहुत अच्छा लगता है। तभी वहाँ पर रघु का दोस्त गोलू नेवला आ जाता है। अबे रघु चलो, खेलने चलना नहीं है क्या? हाँ गोलू रुको, मैं अभी आया। ऐसा कहकर वह अपने दोस्त गोलू के साथ खेलने के लिए चला जाता है और उसकी माँ सुमन ये देखकर बहुत दुखी होती है। अगले दिन रघु और आरती स्कूल जाते हैं। बच्चों आज आप सभी के लिए एक बहुत ही अच्छी खबर है। पता है प्रिंसिपल सर ने आप सभी बच्चों के लिए हमारे
हमारे स्कूल में आज से लाइब्रेरी बंद अपन करा दी है। आज से आप सभी बच्चे लाइब्रेरी जाकर उसमें बुक्स पढ़ सकते हैं। ये बच्चे सुनकर बहुत खुश हो जाते हैं, मगर रघु को तो इस बात से कोई लेना देना ही नहीं था। मैडम सभी बच्चों को लाइब्रेरी में ले जाती है और सभी बच्चे अब किताब लेकर बैठ कर उसे पढ़ने लगते है, मगर रघु को इतनी सारी बुक देख कर सर चकराने लगता है। यहाँ तो बस किताब ही किताब है, कुछ खेलने के लिए तो नजर ही नहीं आ रहा, मेरा तो यहाँ पर सर दर्द कर रहा है। तभी वहाँ पर मैडम आ जाती है और रघु से कहती है, बेटा रघु तुम कोई किताब क्यों नहीं पढ़ रहे हो? चलो मैं तुम्हें एक अच्छी सी बुक देती हूँ जिसे पढ़कर तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। ये लो रघु, हमारे इतिहास से जुड़ी बुक, इसे पढ़ो तुम। रघु का मन नहीं था पर फिर भी वह बुक लेकर उसे पढ़ना शुरू करता है। थोड़ी देर पढ़ते पढ़ते रघु को वो किताब अच्छी लगने लगती है और वह बुक पढ़ते पढ़ते समय कब बीत जाता है उसे पता ही नहीं चलता। रघु घर जाता है। चलो बच्चों मैं तुम्हारे लिए खाना लगाती हूँ, आ जाओ खाना खा लो। खाना खाते हुए रघु कहता है, मम्मी आज मैंने हमारे इतिहास से जुड़ी एक बुक पढ़ी और उसे पढ़कर मुझे बहुत अच्छा लगा। क्या सच में रघु? हाँ मम्मी, आज तो भैया ने पूरी किताब पढ़ डाली। ये तो बहुत अच्छी बात है रघु बेटा, तुम्हें ऐसी ही बुक्स पढ़नी चाहिए, तुम्हें और भी जानकारी मिलेगी अपने इतिहास से जुड़ी। हाँ मम्मी, मैं कल भी लाइब्रेरी जाकर और बुक्स पढ़ूंगा, मुझे आज बहुत अच्छा लगा। अब रघु रोज लाइब्रेरी में बुक्स पढ़ने जाने लगा जिससे उसका पढ़ाई का इंटरेस्ट बढ़ता चला गया और वो खेलने कूदने पर भी कम ध्यान देने लगा। रॉकी नाम का एक भालू अपनी पत्नी और बच्चों के साथ रहता था। रॉकी भालू अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए अपने इलाके के सबसे अच्छे स्कूल में भेजता था। स्कूल में बच्चों को बहुत कुछ सिखाया जाता था, स्पोर्ट्स एक्टिविटी, फूड एक्टिविटी और भी बहुत कुछ। दोनों खरगोश और पीहू लोमड़ी दोनों अपने अपने स्कूल के लिए निकल जाते हैं। भाई आज हमारा स्पोर्ट्स का पीरियड है ना, तो क्या आपने अपने स्पोर्ट्स शूज ले रख लिए हैं? कल सर ने आपसे कहा था ना अगली बार जब स्कूल में आओगे तो अपने शूज के साथ आना, वरना वे तुम्हें क्लास से निकाल देंगे। पीहू तुम फिक्र मत करो, आज मैंने अपने शूज लेकर आया हूँ, आज सर मुझे क्लास से बाहर नहीं निकालने वाले हैं। चलो अब जल्दी से स्कूल चले, वरना लेट हो जाने की वजह से शायद हमें वो जरूर निकाल देंगे। हाँ भाई जल्दी चलो। वे जल्दी जल्दी भागकर स्कूल समय पर पहुँच जाते हैं। अपनी क्लास में जाकर टुन्नू आज बहुत खुश था कि आज वह अपने स्पोर्ट्स शूज लेकर आया है और सर आज उसे इस बात के लिए नहीं डांटेंगे। कि तभी क्लास में मैडम सोना बिल्ली आती है और बच्चों से कहती है, म्याऊ। बच्चों आज तुम्हारे स्पोर्ट्स टीचर किसी काम से बाहर गए हैं, इसलिए आज वे तुम्हारी क्लास नहीं ले पाएंगे। मैं आज तुम्हारी क्लास लूंगी और आज मैं तुम्हें फूड की क्लास दूंगी। फूड की क्लास? मगर मैम इसमें आप क्या सिखाओगे हमें? आज बच्चों मैं तुम्हें कुछ बनाना सिखाऊंगी जो आपके बहुत काम आएगा। अगर आपकी मम्मी किसी काम से बाहर गई हो तो आप खुद बनाकर उसे खा सकते हो और आप सभी को वे बहुत टेस्टी लगेगा। मगर मैडम आप हमें क्या सिखाओगे? मैं आप सभी को सैंडविच बनाना सिखाऊंगी। सैंडविच बनाना बहुत आसान होता है। सैंडविच बनाना? फिर तो मजा आ जाएगा क्योंकि मुझे बहुत पसंद है। तो बच्चों अब जल्दी से शुरू करते हैं। बच्चों सबसे पहले हमें जो सामान चाहिए होगा वो है ब्रेड, प्याज, टमाटर, शिमला मिर्च, पत्ता गोभी और चटपटा मसाला। और हाँ नमक तुम अपने स्वाद अनुसार डाल सकते हो। और हाँ बच्चों टोमेटो सॉस भी, क्योंकि उसके बिना तो मजा आएगा ही नहीं। मगर मैडम आपने चीज के बारे में तो बोला ही नहीं, बिना चीज के सैंडविच में क्या मजा आएगा? नहीं टुन्नू ये एक हेल्दी सैंडविच है, इसलिए हम इसमें कुछ भी ऐसा सामान नहीं डालेंगे जिससे हमारी हेल्थ पर बुरा असर पड़े। चलो अब मैं तुम्हें बनाना सिखाती हूँ। जी मैम। सबसे पहले आपको ब्रेड लेना है, उस पर टमाटर, प्याज, शिमला मिर्च, उसके बाद पत्ता गोभी, उसके बाद ही मसाला और थोड़ी सी नमक, और फिर इसे ब्रेड से ऊपर से बंद कर दो और फिर इस पर टोमेटो सॉस लगाकर आप इसे खा सकते हो। सभी बच्चे मैडम की रेसिपी अपने अपनी कॉपी में लिख लेते हैं। सभी बच्चे अच्छे से समझ गए होंगे ना? अब आप अपने घर जाकर अपने मम्मी पापा को ही ये बनाकर खिला सकते हो। लेकिन बच्चों ये बनाते वक्त अपना ध्यान रखना, किचन में कोई भी ऐसा वैसा सामान नहीं उठाना, ठीक है? थोड़ी देर में स्कूल की छुट्टी हो जाती है और सभी अपने अपने घर चले जाते हैं। टुन्नू और पीहू भी अपने घर आ जाते हैं। बच्चों जल्दी से मुंह हाथ धुल लो, मैं तुम्हारे लिए खाना लगा देती हूँ। नहीं मम्मी आज आप हमारे लिए कुछ नहीं बनाओगे। तभी वहाँ पर उनके पापा रॉकी भालू आ जाते हैं और वे इस
सुनकर कहते हैं, क्या हुआ बच्चों, रोज तो तुम घर आते ही खाना मांगते हो, आज तुम्हें कुछ बदले बदले से लग रहे हो। ऐसा कुछ भी नहीं है पापा। टुन्नू और पीहू दोनों मुँह हाथ धोकर किचन में जाते हैं और सैंडविच बनाने लग जाते हैं। दोनों जैसा जैसा मैडम ने बताया था वैसा ही बनाने लग जाते हैं और कुछ देर बाद बाहर आते हैं। पापा मम्मी, आज हमने आपके लिए कुछ बनाया है, आज मैडम ने हमें स्कूल में ही बनाना सिखाया था। अच्छा, तभी आज तुम बदले बदले लग रहे थे। मम्मी ये सैंडविच आपके लिए और पापा ये आपके लिए। पीहू अपने मम्मी पापा को सैंडविच दे देती है, दोनों उसे खाते हैं। अरे वाह बच्चों, ये तो बहुत ही अच्छा बनाया है तुमने, आज मुझे तुम पर बहुत गर्व हो रहा है मेरे बच्चों। पापा की ऐसी बातें सुनकर दोनों मुस्कुरा देते हैं। एक शहर में चीनू नाम का बंदर अपनी बहन सिम्मू और मम्मी पापा के साथ रहता था। उनके स्कूल में उन्हें उनके टीचर ने पेड़ों का महत्व बताया और उन्हें पेड़ लगाने के लिए कहा। पापा, हमें आंगन में पेड़ लगाने चाहिए। हमारे टीचर ने हमें बताया कि पेड़ बहुत जरूरी होते हैं और इनसे हमें फल और ऑक्सीजन मिलती है। सही कहा बच्चों, तुम्हारे टीचर ने तुम्हें सब सच ही बताया। वैसे तुम बताओ, तुम किस किस का पेड़ लगाना चाहते हो? पापा मैं तो अनार का पेड़ लगाना चाहता हूँ। पापा मैं आम का, क्योंकि मुझे आम खाने को मिल जाएंगे ना। ठीक है, कल हम सभी आंगन में पेड़ लगाएंगे। अगले दिन पापा मम्मी बच्चों के साथ मिलकर पेड़ लगाते हैं। सिम्मू और चीनू सबसे पहले मिट्टी खोदते हैं और उसमें एक एक करके पेड़ बो देते हैं और फिर उसके ऊपर पानी भी डाल देते हैं। पेड़ों को पानी देने के बाद सिम्मू और चीनू घर आ जाते हैं और अपनी पढ़ाई करने लगते हैं। ऐसे ही रात हो जाती है। भाई, कल सुबह तक मेरा पेड़ बड़ा हो जाएगा ना? पता नहीं सिम्मू। तभी उनकी मम्मी उनके पास आती है। बच्चों, ये पेड़ इतनी जल्दी नहीं बढ़ते, इन्हें बढ़ने में टाइम लगता है। और चलो अब बहुत रात हो गई है, तुम भी सो जाओ। बच्चे सो जाते हैं पर सिम्मू अपने आमों के बारे में सोच रही थी। तभी वो देखती है कि उसका आम का पेड़ तो बहुत बड़ा हो गया है और उस पर तो बड़े बड़े आम भी आने लगे हैं। ये देख सिम्मू बहुत खुश हो जाती है। तभी पेड़ कहता है, सिम्मू तुम बहुत अच्छी लड़की हो और तुमने मेरा बहुत ख्याल रखा है, इसलिए तुम मेरे आम खा सकती हो। जितना खाना चाहो उतना खा सकती हो, सच में। सिम्मू जैसे ही एक आम तोड़ने लगती है तो वो देखती है कि बहुत सारे पक्षी उस पेड़ पर आकर बैठ गए हैं और उस पेड़ के आमों को खाए जा रहे हैं और खाते खाते सारे आम खा जाते हैं। सिम्मू, सारे आम तो ये पक्षी खा गए, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें अब एक भी आम नहीं दे सकता। लेकिन मैंने तो पेड़ लगाया था ना, तुम्हें जीवन दान दिया था और मुझे ही तुम आम खाने से मना कर रहे हो, ये सही बात नहीं है पेड़। सिम्मू रोने लगती है। तभी उसकी मम्मी उसको नींद से जगाती है। अरे सिम्मू तुम रो क्यों रही हो, क्या हुआ मेरी बच्ची? मम्मी मैंने देखा मेरे आम का पेड़ बोल रहा है और मुझसे बात कर रहा है और उस पर आम भी आ गए हैं। लेकिन मम्मी पक्षी मेरे पेड़ के सारे आम खा गए और मेरे लिए एक आम तक नहीं छोड़ा। ये गलत बात है ना मम्मी? लेकिन बेटी तुम्हारे पेड़ पर तो कोई आम नहीं आए और ना ही किसी ने तुम्हारे आम खाए हैं। और बेटी पेड़ कभी बात नहीं करते। चलो आओ जल्दी से तैयार हो जाओ। सिम्मू खिड़की के बाहर झांकती है तो देखती है कि उसका पेड़ तो छोटा ही है। इसका मतलब उसने जो कुछ भी देखा था वो सब सपना था। लेकिन सिम्मू अपने पेड़ का बहुत ख्याल रखती है और उसके पास बैठकर उससे बातें भी करती है। चीनू और पिंकी दोनों भाई बहन हैं और अपने मम्मी पापा के साथ रहते हैं। आज चिल्ड्रंस डे है इसलिए सुबह सुबह उनके मम्मी पापा उनके पास आते हैं। हैप्पी चिल्ड्रंस डे बच्चों, आज बताओ क्या खाओगे? मैं तुम्हारी पसंद का ही खाना बनाऊंगी। मम्मी आप आलू का पराठा बना दो, मुझे वो बहुत पसंद है। और चीनू तुम? मैं भी आलू का पराठा खा लूंगा, मुझे भी तो ये बहुत पसंद है। बाकी तो आज स्कूल में पार्टी रखी ही गई है, वहाँ भी तो बहुत कुछ खाने को मिलेगा। चलो बच्चों जल्दी से स्कूल के लिए तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें स्कूल छोड़कर आ जाता हूँ। दोनों बच्चे नहा धोकर जल्दी से तैयार हो जाते हैं। तब तक उनकी मम्मी आलू के पराठे बना देती है। दोनों पराठे खाकर स्कूल के लिए पापा के साथ निकल जाते हैं। पापा दोनों को स्कूल में छोड़ देते हैं। बच्चों आज खूब मस्ती करना, आज तुम्हारा ही दिन है, बाकी मेरी तरफ से भी हैप्पी चिल्ड्रंस डे। पापा ऐसा कहकर अपने ऑफिस के लिए निकल जाते हैं और चीनू और पिंकी अपनी क्लास में जाकर बैठ जाते हैं।
हैं, जहां वो देखते हैं कि आज उनकी क्लास बहुत ही सजी हुई है, फूल मालाएं और रंगोली बनी हुई है। कुछ देर बाद उनके क्लास टीचर उनके पास आते हैं और उनसे कहते हैं, बच्चों हैप्पी चिल्ड्रंस डे, आज आपको जो करना है आप वो कर सकते हैं, आप पर कोई बंदिश नहीं है। वैसे बच्चों कोई मुझे बताएगा कि हम चिल्ड्रंस डे क्यों मनाते हैं? तभी पिंकी अपना हाथ खड़ा करती है और कहती है, सर हम चिल्ड्रंस डे इसलिए मनाते हैं क्योंकि आज हमारे पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की जयंती उत्सव है और उन्हें क्योंकि बच्चे बहुत प्यारे थे तो आज के दिन चिल्ड्रंस डे मनाया जाता है। गुड पिंकी। इसके बाद क्लास टीचर वहां से चले जाते हैं और सभी बच्चे ग्राउंड में जाकर खेलने लगते हैं। कोई क्रिकेट खेलने लगता है तो कोई बैडमिंटन तो कोई फुटबॉल। आज सभी बच्चे बहुत खुश थे। पिंकी और चीनू भी बैडमिंटन खेल रहे थे। तभी पिंकी की नजर स्कूल के बाहर खड़े दो गरीब बच्चों पर जाती है जिनके कंधों पर थैले लदे हुए थे और उनके कपड़े फटे हुए थे, जो उन्हें बड़ी आस भरी नजरों से देख रहे थे। पिंकी को उन पर बहुत दया आती है, इसलिए वो उनके पास जाती है और कहती है, तुम भी हमारे साथ खेलना चाहोगे? नहीं नहीं, किसी ने देख लिया तो बहुत मार पड़ेगी। नहीं, तुम्हें कोई नहीं मारेगा, चलो हमारे साथ। चीनू और पिंकी उन दोनों बच्चों को स्कूल के अंदर ले आते हैं और उन्हें भी अपने साथ खिलाते हैं और खाने के लिए मिठाई और चॉकलेट भी देते हैं। अब हम चलती हैं, हमें कबाड़ इकट्ठा करना है। अगर कबाड़ इकट्ठा नहीं किया तो बहुत मुसीबत हो जाएगी, हमें खाना भी नहीं मिलेगा। क्या तुम स्कूल नहीं जाते? हम बहुत गरीब हैं, स्कूल की फीस बहुत महंगी होती है जो हमारे माँ बाप नहीं भर सकते। तभी उन बच्चों पर गार्ड की नजर पड़ती है और वो उन्हें स्कूल से बाहर निकालने लगता है। चलो चलो निकलो यहाँ से, पता नहीं कहाँ से आ जाती हैं। दो मिनट के लिए नजर क्या हटी, तुम तो अंदर ही घुस गए, चलो निकलो यहाँ से। गार्ड अंकल इन्हें मत निकालो ना, ये हमारे साथ खेल रहे हैं, इन्हें खेलने दो। अरे बेटी इन्हें बाहर नहीं निकाला तो मुझे काम से निकाल दिया जाएगा। तभी चीनू के क्लास टीचर उनके पास आते हैं। कोई तुम्हें काम से नहीं निकालेगा, ये भी बच्चे हैं, इनका भी खेलने का मन करता है, खेलने दो इन्हें। बच्चे तुम स्कूल में पढ़ना चाहोगे? बच्चे ये सुनकर बहुत खुश हो जाते हैं। शिक्षा पर सभी का हक है और कल तुम अपने माँ बाप को स्कूल लाना, मैं उनसे बात करूँगा और तुम्हारी पढ़ाई का खर्च खुद ही उठाऊंगा। बच्चे ये सुनकर बहुत खुश हो जाते हैं, साथ ही चीनू और पिंकी भी, क्योंकि उन्हें नए दोस्त जो मिल गए थे, इसलिए वो सभी मिलकर खेलते हैं और चिल्ड्रंस डे का सही फायदा उठाते हैं। चिलबन नगर के गांव में सुंदरी बहुत घमंडी और अमीर जमींदारिन थी। वो गरीब लोगों को ब्याज पे पैसे उधार देती थी और जब गरीब उसे उधार के पैसे लौटा नहीं पाते थे तो वो उनकी जमीन को हड़प लेती थी। ऐसे ही एक दिन बबली उसके पास पैसे उधार लेने के लिए जाती है। सुंदरी सेठानी, आप मुझे 1 लाख उधार दोगी क्या? मैं आपको अगले साल वापस कर दूंगी। मुझे कैसे पता कि तुम मुझे पैसे वापस कर दोगी? तुम कौन हो? मैं तो तुम्हें नहीं जानती हूँ। मैं यही इसी जंगल में रहती हूँ। सेठानी जी, गरीब किसान हूँ, छोटी सी जमीन है मेरी। अच्छा, तो तुम मुझे अपनी जमीन गिरवी रख दो, मैं तुम्हें पैसे उधार दे दूंगी। वैसे कितनी बड़ी जमीन है तुम्हारी? मेरी 10 एकड़ की जमीन है, आप गिरवी रख लो। ठीक है, यहाँ अंगूठा लगाकर पैसे ले जाओ, लेकिन याद रखना पैसे नहीं चुकाए तो जमीन मेरी। फिर बबली उन पैसों से खाद और दवाइयाँ लाती है और खेत में दिन रात बहुत मेहनत करके फसल उगाती है। इस बार उसकी अच्छी फसल हुई थी। ऐसे ही एक दिन सुंदरी उसके खेत के पास से निकल रही थी, तभी उसकी नजर बबली के खेत में जाती है। अरे वो टिल्लू कहाँ घूम रहा है, ये बता कि ये खेत किसका है जिसमें इतनी बढ़िया फसल उगी है। शैतानी जी, ये खेत बबली का है। उसी बबली का जिसने मुझसे पैसे उधार लिए हैं? अरे वाह, इसका मतलब ये जमीन और ये फसल और इसका मुनाफा मेरा हुआ। फिर सुंदरी बबली से मिलती है। क्यों बबली, इस बार तो तुम्हारी फसल बहुत अच्छी हुई है, लगता है बहुत मेहनत करी हो। जी सुंदरी जी, मैं फसल बेचकर आपका उधार लौटा दूंगी, उसके बाद घर में बेटी भी है, उसकी शादी भी करनी है। ठीक है ठीक है, ब्याज मिलाकर 3 लाख दे देना। क्या, लेकिन मैंने तो बस 1 लाख ही उधार लिए थे सेठानी जी। हाँ तो ब्याज चढ़ा के और 2 लाख हो गए हैं, तुम अनपढ़ गवार लोग कुछ नहीं समझते। ये तो अन्याय है सुंदरी जी,
फालतू की बात मत कर, नहीं तो मैं तुझे घर में भी नहीं रहने दूंगी। मैं आपके पैसे नहीं चुका पाऊंगी। नहीं नहीं, आप मेरी जमीन ही रख लो। शाम में बबली अपने घर आई और अपनी बेटी पीलू को रोते रोते सब कुछ बता दी। मैं उस लालची सेठानी को देखती हूँ, वो अपने आप को क्या समझती है। आप चिंता मत करो माँ, अब मैं उससे सभी चिड़ियों की हड़पी हुई जमीन वापस करवाऊंगी। पीलू अपनी सहेली हरी के साथ एक प्लान बनाती है। दोनों सहेलियाँ एक छोटी सी खेत की जमीन में एक नकली पेड़ लगाती है और फिर उस पेड़ को लाल रंग से रंग देती है। फिर वो दोनों उसकी डालियों में सोने चांदी डायमंड्स के गहने चिपका देती है, जिससे ऐसा लगता है कि वो गहने उसी पेड़ के फल हो। अब आएगा मजा, लालची सुंदरी कैसे फंसेगी देखना। इसके बाद पीलू चिड़िया हरी तोती के साथ जानबूझकर सुंदरी के पीछे जोर जोर से बातें करती है। अरे तूने देखी क्या उस लाल पेड़ को जो उस खेत में उगा है, उसमें से फल की जगह गहने उग रहे हैं। नहीं तो चल दिखा मुझे। ये सुनकर सुंदरी पीलू और हरी के पीछा करने लगती है। जब वो दोनों खेत पहुंचते हैं तो अरे क्या ये असली सोने जवाहरात है। सेठानी जी आप कब आ गई यहाँ। खैर हमने तो हीरे जवाहरात कभी नहीं देखे हैं। आप खुद ही देख लो कि सोना चांदी हीरा असली है कि नहीं। वैसे सेठानी जी आपको बता दूं कि कल बहुत बड़े जमींदार आ रहे हैं जो इस जमीन को खरीद लेंगे, इसके साथ ये पेड़ भी। ऐसा क्या, तो एक बार मुझे इसके गहने दिखाओ। फिर पीलू और हरी तोती गहने दिखाते हैं। अरे ये तो सही में हीरे हैं हीरे। चलो अच्छी बात है, अब हम इस जमीन उस शहर वाले सेठ को बेच देंगे। नहीं नहीं, ये जमीन तो मुझे चाहिए। लेकिन आपके पास इतने पैसे हैं क्या सेठानी जी। अरे पीलू तुम गरीब लोग गरीब ही सोचोगे, इसके लिए तो मैं अपनी पूरी जमीन जायदाद बेच दूंगी, लेकिन मैं इस पेड़ की जमीन को खरीद के ही रहूंगी। ठीक है तो फिर सौदा पक्का, आपकी पूरी संपत्ति के बदले में ये जमीन। ये लीजिए इस जमीन के कागजात, लेकिन पहले आप अपनी संपत्ति के कागज मेरे नाम कर दीजिए। फिर सुंदरी अपनी पूरी संपत्ति जमीन जायदाद गाड़ियाँ हवेली पीलू के नाम कर देती है और उस छोटे से पेड़ वाली जमीन को बदले में ले लेती है। अगले दिन कुछ लोग उस पेड़ के पास इकट्ठा होते हैं। क्यों गरीब लोग, कैसा लगा मेरा ये गहनों का पेड़। जरा हमें भी दिखाना गहने सेठानी जी। ये देखो। फिर सुंदरी उन्हें गहने दिखाती है। तभी टिल्लू के बगल में खड़े हुए पक्षी के हाथ से उस हार में पानी गिर जाता है और उसका सुनहरा रंग मिट जाता है। अरे ये क्या, पीलू मुझे लूट ली, बर्बाद कर दी। ये तो नकली लोहे की चेन है जिस पर सोने का नकली रंग लगा हुआ था। इस तरह से सुंदरी को उसकी धोखाधड़ी की सजा मिल जाती है और पीलू की मदद से बबली और बाकी जंगल के पक्षियों को उनकी लूटी हुई जमीन वापस मिल जाती है। फिर सब खुशी खुशी रहने लगते हैं। अमीरपुर गांव में पीलू एक पानी पूरी का ठेला चलाती थी। पीलू पानी पूरी बेचकर अपना गुजारा किया करती थी। उसकी खासियत ये थी कि फायर पानी पूरी बेचती थी, जिसको खाने के लिए बहुत भीड़ लगी रहती थी। पीलू की बेटी पिंकी शहर में पढ़ाई करती थी। पढ़ाई खत्म होने के बाद वो गांव वापस आती है। मम्मी आप ये पानी पूरी का ठेला बंद क्यों नहीं कर देती हो। बेटी इसी से तुम्हारी पूरी पढ़ाई का खर्चा निकला है और ये घर भी इसी से चलता है, आगे तुम्हें भी ये काम संभालना है। मैं ये फालतू का काम नहीं करूँगी मम्मी। तुम शहर में जाकर बिगड़ गई हो, कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता है। लेकिन पिंकी पीलू की कोई बात नहीं मानती है और एक दिन वो एक कपड़े की दुकान खोल लेती है। तो हरी तोती उससे पूछती है, ये कपड़े कितने के दिए पिंकी। जी आंटी ये 1000 का है। 1000 का, दिखने में तो 200 रुपए का लग रहा है, इतना महंगा क्यों है ये। वो आंटी मैं फैशन डिजाइनिंग करके आई हूँ ना, ये डिजाइनर कपड़े हैं। अरे हमें क्या करना, तू फैशन डिजाइन करी है कि नहीं,
हमें तो सस्ते अच्छे कपड़े चाहिए। इस तरह से पिंकी को कपड़े के काम में नुकसान होता है और उस धंधे को वो बंद करना पड़ता है। इसके बाद पिंकी ब्यूटी पार्लर खोलती है और उसको उस काम में भी नुकसान हो जाता है, क्योंकि गांव की उधार में मेकअप करवा कर चली जाती थी और पैसे नहीं देती थी। इस पर वो रोने लगती है। माँ, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे जमा किए हुए पैसों से दो दो दुकानें खोली लेकिन एक भी नहीं चली और पैसे भी डूब गए। अब तुम जैसा बोलोगी मैं वैसा ही करूँगी। देख बेटी, और तुमको पानी पूरी बहुत पसंद आती है और उसमें उधार भी नहीं होता है। मैं फायर पानी पूरी बनाती हूँ जो पूरे जंगल में कोई नहीं बनाता है। मैं तुझे वो सिखा देती हूँ। इस तरह से पीलू अपनी बेटी पिंकी को फायर पानी पूरी बनाना सिखा देती है और थोड़ी सी प्रैक्टिस के बाद पिंकी उसे बनाने लगती है। फिर पिंकी पीलू के पानी पूरी के ठेले में उसकी मदद करती थी। सारे पक्षी पीलू की बहुत तारीफ करते थे। इसको देखकर पिंकी कहती है, माँ तुम ठीक कहती थी, कोई भी काम बड़ा छोटा नहीं होता है। तुमको यहाँ इतनी इज्जत मिलती है और मुझे कपड़े की और पार्लर की दुकान में नहीं मिलती थी। माँ, मुझे तुम पर बहुत गर्व है। अब से मैं भी लोगों को फायर पानी पूरी खिलाऊंगी। इसके बाद से पिंकी अपना सबक सीख जाती है और मेहनत से पीलू का साथ देती है। फिर दोनों माँ बेटी बहुत खुशी खुशी रहने लगते हैं। एक गांव के एक जंगल में पीलू और बंटी नाम के पति पत्नी रहते थे। उनका एक बेटा था टिल्लू। दोनों पति पत्नी हर छोटी छोटी बात में झगड़ा करते थे। उन दोनों के झगड़े में टिल्लू बहुत परेशान होता था। एक दिन बबलू अपने बेटे को बर्गर लाके देता है, तभी वहाँ पीलू आ जाती है। सुनो जी, ये क्या बेकार की चीज खिला रहे हो मेरे बेटे को? मैं तो इसके लिए ताजी सब्जियों वाला नूडल्स बना रही हूँ, लेकिन आप जानबूझकर इसे ये बर्गर दे रहे हो जिसे ये मेरा हाथों का नूडल्स नहीं खा सके। टिल्लू, तू ये फालतू का बर्गर कचरे में फेंक दे। मैं ये बर्गर अपने बेटे के लिए सबसे महंगे फास्ट फूड रेस्टोरेंट से लाया हूँ, और तुम होती कौन हो मेरे बेटे को भड़काने वाली? बेटा, तुम्हारी माँ की मैगी को तुम गड्ढे में फेंक दो। ये सुनकर पीलू बहुत गुस्सा हो जाती है और एक बार फिर से दोनों पति पत्नी झगड़ा करने लगते हैं। मम्मी पापा, मैं बर्गर और नूडल्स दोनों खा लूंगा, आप लोग झगड़ा करना बंद कीजिए। इसके बाद टिल्लू बर्गर में नूडल्स डालकर खाने लगता है। एक दिन बंटी पीलू के लिए हलवा लेकर आता है। पीलू, ये देखो, मैं तुम्हारे लिए तुम्हारा फेवरेट हलवा लाया हूँ। वाह जी, मैं भी आपके लिए आपकी फेवरेट चाय बना रही हूँ। अरे वाह मम्मी पापा, आपका आप दोनों कितने प्यार से बातें कर रहे हैं। आज टीवी में न्यूज आई थी कि लोगों को कंपनी से निकाल रहे हैं। क्या आपको भी नौकरी से निकाल दिए हैं क्या? हाँ हाँ, मुझे निकाल दिए हैं। अब घर का खर्च तुम थोड़े दिनों के लिए चलाना पीलू। अरे लेकिन EMI कैसे भरेंगे, हम तो बर्बाद हो जाएंगे। मम्मी पापा, मेरे पास एक आइडिया है। आप दोनों मुझे नूडल्स और बर्गर खिलाने के लिए झगड़ा करते थे ना, और मैं दोनों को मिलाकर खा जाता था। नूडल बर्गर खाना मुझे बहुत पसंद है, और सभी को नूडल और बर्गर पसंद आते हैं ना? क्यों ना आप मिलकर इसी को बेचने का काम शुरू कर दो। हाँ, ये अच्छा आइडिया है। हाँ, सभी बच्चों को नूडल और बर्गर बहुत पसंद होते हैं। ऐसे कॉम्बिनेशन पूरे जंगल में कहीं नहीं है। हमारी दुकान खूब चल निकलेगी। और जल्द ही दोनों पति पत्नी नूडल बर्गर की दुकान शुरू कर देते हैं। पीलू वेज नूडल्स, एग नूडल्स और चिकन नूडल्स बनाया करती थी और बंटी बर्गर बनाया करता था, और वो कस्टमर्स को सर्व करने लगे। इस तरह से दोनों की दुकान बहुत अच्छे से चल निकली। पीलू और बंटी का झगड़ा अब बंद हो चुका था। दोनों में प्यार बढ़ने लगा था और वो लोग बहुत पैसे कमाने लगे थे। बेटा टिल्लू, ये तुम्हारी ही आइडिया का कमाल है, जो नूडल बर्गर लोगों को पसंद आ रहे हैं। हम खुद नौकरी करते थे लेकिन अब हम
लोगों को नौकरी दे रहे हैं। मेरे लिए तो आप दोनों का प्यार से साथ रहना ही सबसे अच्छी बात है। मम्मी पापा आप हमेशा से ऐसे ही रहना। फिर पीलू और बबलू कभी भी झगड़ा नहीं किए और सब खुशी खुशी साथ रहने लगे।